हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड फ्रेंड आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। मैं शशि कुमार आप सबों को शशि सपना ब्लॉग में स्वागत करता हूं। आज दिनांक 8 अक्टूबर 2022 आज का मौसम प्यारा सा सुहाना सा मौसम है। सुबह का भी 5:30 बज रहा है, 5:30 हो रहा है और अभी मौसम कुहासा सा मौसम है, कुहासा छाया हुआ है, सूरज का किरण अभी तक निकला नहीं है। आप सुबह का नज़ारा देख सकते हैं, कितना प्यारा सा नज़ारा है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, कितना हरियाली है, कृषि लगा हुआ है, पूरा खेत में धान का खेती हो चुका है। कितना प्यारा सा लोकेशन दिखता है दोस्तों। इस प्यारा सा लोकेशन में आप सभी को शेयर कराता हूँ। मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, दोस्तों धान में शीश लग चुका है, फल लग चुका है, अभी जो है उसमें चावल भरना अभी बाकी रह गया है और लमसम 30-40 दिन में चावल भी भर जाएगा और पक भी जाएगा और कट भी जाएगा। कटने के बाद तैयार होगा, फिर जो है उससे चावल तैयार होगा जो मार्केट में उपलब्ध होता है चावल, वही इसी धान से चावल बनता है। हम लोग के तरफ पूरा धान का खेती लगा हुआ है, अभी धान कटने के बाद गेहूं का सीजन आता है, गेहूं लगता है। हम लोग का हमेशा जो है फसल एक कटने के बाद एक फसल लग ही जाता है, गेहूं का समय में ही सरसों का फसल भी लगेगा। सरसों का फसल के बाद जो है गेहूं कटने के बाद मूंग का दाल दलहन फसल लग जाता है। इधर लमसम 3 फसल होता है साल भर में, 3-3 महीने का समय लेता है एक फसल। धान का खेती 3 महीना रहेगा, उसके बाद गेहूं का खेती 3 महीना रहेगा, 3-4 महीना दलहन फसल जैसे कि मूंग और उड़द ये सब का खेती लगता है। लगभग 1 साल में 3-4 फसल उगाया जाता है। पटसन भी लगता है इधर, अब पाट जिसको कहते हैं पटसन, जिससे बोरा बनता है, उसका खेती भी इधर होता है।
मॉर्निंग वॉक के बाद हम लोग अपना घर चल दिए। अब मैं अपना आगन आ चुका हूँ। अब दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा आसन और योगासन, थोड़ा बहुत कसरत करूँगा। ये भी पहले से यहाँ आ चुकी है और रात में होमवर्क नहीं बनाई थी, अभी होमवर्क बनाई इसीलिए दौड़ के पहले आ गई है। ये कॉपी किने इसमें होमवर्क नहीं है? उसमें होमवर्क नहीं है, कल तो लेवे की है ना। ठीक है, होमवर्क आज मिलेगा, आज लेके जाएगी ना। आज तो सुबह जाएगी ना बेबी, अभी जाएगी ना पढ़ने। अब आज संडे है ना। सुबह में दोस्तों थोड़ा आसन वगैरह कर लेना चाहिए। अभी आसन करने जा रहा हूँ, एक पैर इस पे डालने के बाद दूसरा पैर जो है फिर उठा के उसको दूसरे जानवर पे डाल दूंगा। इस उंगली को इसमें लंबा लंबा सांस लेने से सांस का प्रॉब्लम जिसको है, दिक्कत होता है सांस लेने में, उसका भी दिक्कत दूर होगा। आसन करने का 100 लाभ है, 150 फायदे होते हैं। सुबह सुबह आसन करना चाहिए। मैं दोस्तों आप लोगों को सिरासन करके दिखाने जा रहा हूँ, सिरासन करने जा रहा हूँ। Thank you.
अच्छा।